नमस्कार। आज मैं आपको शास्त्रीय संगीत में जाति ये क्या चीज़ होती है बताऊंगा। इसके बारे में राग की जाति कहते हैं, किसी भी राग में उसकी जाति के नाम से उसको डिफाइन किया जाता है कि राग में किसी राग की जाति क्या है। जाति का मतलब ये होता है कि यदि एक राग में सातों सुर लग रहे हैं आरोह में और अवरोह में, तो वो संपूर्ण संपूर्ण जाति कहलाती है। सात सुर यानी संपूर्ण कहलाते हैं, छः सुर यानी षाढ़ कहलाते हैं, पांच सुर यानी औढ़ कहलाते हैं, और इवन चार सुरों का भी एक नाम है, उसको सुरतर बोलते हैं। इससे नीचे नॉर्मली रागों में सुर नहीं होते, मतलब चार तो मिनिमम होने ही होने चाहिए, तभी वो राग कहलाएगा। तो यदि राग की जाति के बारे में हम बात करते हैं, तो उसमें ये चार तरह की जातियाँ जो कि आरोह और अवरोह में कॉम्बिनेशन में हो सकती हैं। कुछ वक्र जाति भी होती है, इसका मतलब ये है कि आरोह में भी वक्र हो सकता है और अवरोह में भी वक्र हो सकता है। सो वो उस हिसाब से उसकी जाति डिफाइन होती है। तो इसका मतलब है कि हम ज़्यादातर जो जातियाँ प्रचलित हैं वो है संपूर्ण संपूर्ण, षाढ़व संपूर्ण, औढ़व संपूर्ण, ऐसी औढ़व औढ़व, औढ़व षाढ़व या औढ़व संपूर्ण, षाढ़व तो षाढ़व षाढ़व, षाढ़व संपूर्ण, इस तरह की जातियाँ हैं। एक आधी राग जिसमें सुरतर या चार सुरों वाला राग जिसको कह सकते हैं, हालांकि उसमें भी हम राग गोरख कल्याण है, वो उसमें हम आरोह में निषाद का कभी कभी प्रयोग करते हैं, इसलिए उसको सुरतर नहीं बोल सकते हैं, उसको षाढ़व ही औढ़व ही बोलना चाहिए आरोह में। बाकी उसमें नहीं, तो ज़्यादातर उसमें वैसे चार सुरों का आरोह में उपयोग में किया जाता है, उन्नी को हम कभी कभी लगाते हैं आरोह ऐसे करके। अब जाति तो ये बात हो गई, दूसरा ये है कि हम जाति के बेसिस पे हम किसी राग को यदि हम करते हैं, मतलब वर्गीकरण करते हैं मान लीजिए उसका, या उसको हम कैटेगराइज करते हैं, तो देखेंगे कि हम राग के का जो हमारा, मान लीजिए हमने औढ़व औढ़व वाले राग लिए, रे और प, मतलब रे और प वर्ज वाले राग ले लिए मान लीजिए हमने, तो वो सागम मध नीसा, उसमें पांच सुर हैं। तो यदि हम पांचों के पांचों सुर यदि शुद्ध सबके शब्द शुद्ध शुद्ध स्वर लगते हैं, मतलब ग म ध और नी सब शुद्ध स्वर लगेंगे, तो वो राग कहलाएगा कौशिक ध्वनि या कौशिकी। और यदि हम सबके सब कोमल कर देते हैं, गधनी कोमल करते हैं, तो वो हो जाता है राग मालकौंस। मह तो शुद्ध होता ही है। तो ऐसा करके हम सिर्फ जाति के आधार पर यदि हम करें तो हमारे पास चार पांच तरह के राग बन जाते हैं। यदि हम सिर्फ उसमें नी शुद्ध करें और गध कोमल करें तो वो राग हो जाता है चंद्रकौंस। सो हम रेपवर्ज वाली जाति में, मतलब औढ़व औढ़व वाली जाति में रेपवर्ज जिसमें हैं, ऐसे में हम तीन चार राग हमारे पास आ जाते हैं। तो उसका ये है कि हमारे पास ये बहुत सारा, मतलब आसान हो जाता है हमको मैनेज करना है कि हमारे पास एकदम पांच छः उस रागों को हम, या जितने भी उस राग उस कैटेगरी में राग आते हैं, उन रागों को हमारे पास एक ब्रॉड फ्रेमवर्क समझ में आ जाता है कि ये इन कैटेगरी वाले राग हैं। मतलब लगभग चलन मोर ऑर लेस औढ़व औढ़व वाला है, तो बड़े आसान, उसमें ज़्यादातर वक्रता भी नहीं है, तो बहुत सिंपल है। सिमिलरली एक आप दूसरा एक उदाहरण दें कि हम औढ़व संपूर्ण वाली जाति में, मान लीजिए हम रे और ध वर्ज करते हैं आरोह में और अवरोह संपूर्ण है, ऐसे में हमको सात राग मिलते हैं,
जो कि जैसे मान लीजिए राग बिहाग है, मारू बिहाग है, भीमपलासी है, पटदीप है, मधुवंती है, मुल्तानी है और वाचस्पति है। ये 7 राग हैं जो कि रेध वर्ज आरोह में और अवरोह संपूर्ण वाली कैटेगरी में आते हैं और कोई वक्रता भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम हालांकि इन सातों के यदि आप थाट देखेंगे तो सातों के थाट अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि हम यदि आप थाट के हिसाब से वर्गीकरण करेंगे तो हमको 7 अलग अलग थाटों के हिसाब से इसको सोचना पड़ेगा, पर यदि हम जाति के हिसाब से सोचते हैं तो हमारे को ये 7 राग एक साथ मिल जाते हैं। जैसे हमने आपको मालकंस या कौशिक ध्वनि या चंद्रकंस की कैटेगरी बताया कि रेप वर्ज वाले राग हैं, ऐसे ही आप भूपाली वाले मतलब म और नी वर्ज वाले कैटेगरी के राग लेंगे जिसकी जाति म और नी वर्ज वाली है, औड़ा औड़ा है, तो उसमें भूपाली आ जाता है, राग देशकार आ जाता है, फिर जयत है, विभास है, भूपेश्वरी है, ये सब राग उसके अंदर आते हैं। तो आपके पास इमीडिएटली 5-6 रागों का एक फ्रेमवर्क दिखने लगता है कि अरे इस मनी वर्ज वाले ये सारे राग हैं, और इनमें भी आप देखेंगे कि इनके भी थाट जो है, जो 10 थाटों में से अलग अलग थाट हैं इन सबके, पर कैटेगरी उनकी या जाति एक जैसी है उनकी। तो ये जाति एक इफेक्टिव वर्गीकरण का मेथड हो सकता है यदि आप उसको जाति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ बेटर ऑप्शन देन यदि आप नॉर्मली थाट के हिसाब से वर्गीकरण करते हैं और थाट में ही आप या उसके हिसाब से सोचते हैं कि हमको इस थाट के राग हैं मतलब वो पर हम जाति के हिसाब से देखेंगे तो हमारे को एकदम ये एक सिमिलर कैटेगरी वाले राग इमीडिएटली सामने आ जाते हैं। अभी आपको हम उदाहरण के तौर पे एक औढ़व संपूर्ण वाली कैटेगरी में आपको एक तरह उदाहरण देते हैं कि वो भले ही अलग अलग थाट में हैं पर उसमें उसका फ़ायदा क्या होता है। मतलब जाति के हिसाब से यदि हम करते हैं उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि हम एक मान लीजिए तान तैयार करते हैं, एक अलंकारिक तान तैयार करते हैं, मान लीजिए 1-2, 1-2-1-1 या 1-2-3-2 या कुछ भी तान ले सकते हैं, कोई भी अलंकार लें, तो उसको हम एक मान लीजिए हमने भूपाली में मतलब सॉरी अभी हम औड़ा संपूर्ण में बात कर रहे हैं रेधा वर्ज वाले में, तो हम मान लीजिए भीमपलासी में जो लिया वही अलंकार हमको बिहाग में भी चल जाएगा, मारू बिहाग में चल जाएगा, या पटदीप में, या मधुवंती में, या मुल्तानी में, या वाचस्पति में, क्योंकि उसका जो पैटर्न बस उसमें करस्पॉन्डिंग उस राग के जो भी सुर हैं मध्यम या तीव्र या कोमल जो भी सुर लग रहे हैं उनको आपको उस हिसाब से लगाना है उस राग में, और यही अलंकारिक पैटर्न उसके अंदर काम करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको हम पहले भीमपलासी में बताते हैं, थोड़ा सा एक माहौल बनाए पहले का पहले काले का सुर हमने यूज किया सी शार्प, इसमें हमने तानपुर में लाया। अभी हम मान लीजिए 1-2-3-2 हम लेते हैं तो उसके अलंकार कैसे बनेगा, सा ग म ग ग म प म म प ध म
ऐसा करके ये अलंकार हमने 1-2-3-2 को राग भीमपलास में फिट किया। इसको आप घोट के जितने भी सारे अलंकार हैं सबको आप बना सकते हैं। अब ये मान लीजिए हम यही अलंकार को राग मधुवंती में लेते हैं। मान लीजिए एकदम सीधे से माइग्रेट नहीं कर सकते किसी दूसरे राग में। उस राग के माहौल में आपको जाना पड़ेगा, थोड़ी देर आपको उस वातावरण में रहना पड़ेगा, तभी जाके आप उसमें तान ले मतलब अलंकारिक तान हो या कोई भी तान लेने लायक रहेंगे। तो अब वही अलंकार हम लेते हैं 1-2-3-2 वाला। तो वही अलंकारिक पैटर्न है जो कि हमने भीमपलास में लिया, सिर्फ इसमें म तीव्र है, नी शुद्ध है, इसकी वजह से वो राग भीमपलासी से मधुवंती हो गया। पर हमारा अलंकारिक पैटर्न जो हमने सागमग लिया था वही उसके अंदर भी चल गया। अभी मान लीजिए हम आपको राग मारू व्याग लेते हैं। मान लीजिए का थोड़ा सा वातावरण बनाया। वहीं पर अलंकार 1-2-3-2 का हम लेते हैं। तो सा ग म ग ग म प 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
वही पैटर्न जो हमने अलंकारी पैटर्न लिया था 1-2-3-2 का, तो मारू विभाग में, भीमपलासी में या मधुवंती में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसमें कोमल तीव्र या शुद्ध का तो फर्क है। ये एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वही अलंकार आप हर जगह हर एक इन सातों रागों में अप्लाई कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम राग मुल्तानी में चलते हैं, वही पैटर्न है जो अलंकारिक पैटर्न हमने बाकी चारों रागों में लिया, इतना फर्क पड़ जाता है। अभी मान लीजिए हम पटदीप लेते हैं, तो उसके पहले वातावरण अच्छे से बनाए तभी हम उसमें जाएं। सागम पहने
सेम पैटर्न पटदी पे भी चल गया। हमारी हम बिहार रहते हैं, सा ग चतुराई से करना पड़ता है बिहार में। सा ग म ग ग म ब म म ब ग ब प नि ग नि नि ज र ज सा ग म ग सा ग म ग नि ज र ग प नि ग नि म ब ग ब ग ग म प म सा ग म ग नि ज र ज sa ga ma ga ga ma ba ma ma ba na ba pa ni na ni ni da re na sa ga ma ga ga ma ba ma ga ma ba ma sa ga ma ga ni da re na pa ni na ni ma ba na ba ga ma ba ma sa ga ma ga ni da re sa वही पैटर्न 1 2 3 2 का राग विहाग में भी, सिर्फ कोमल और शुद्ध का अलग फर्क हो गया। तो उस हिसाब से जो राग के सुर लग रहे हैं उस राग में ही आप ये अलंकार को फिट कर सकते हैं। तो सातों रागों में हमने अभी 6 राग तो बता दिया आपको, हमने मैं आपको अच्छे स्पष्ट नहीं चलते चलते हमने इस राग में भी ले लिया। बड़े आसानी से
आपका काम हो जाता है। बस एक ही पैटर्न को आप सातों रागों में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 8-10 अलंकारों को एक राग में घोट लीजिए, फिर आप जब आप दूसरे राग को करें तो उन्हीं अलंकारों को आप दूसरे राग में घोटिए। ऐसे करके आपको अलंकारिक पैटर्न एक ही रहेगा और वो सातों रागों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी हर एक राग के लिए, क्योंकि राग को मांझना है, उसमें उसमें आपको ताने लेनी है। पर तान जो फिट करने का कार्यक्रम है वो लगभग सेम रहेगा, क्योंकि वो अलंकारिक पैटर्न सेम है, सिर्फ कोमल तीव्र मध्यम या शुद्ध मध्यम का या फिर कोमल बाकी सब शुद्ध स्वरों का फर्क पड़ेगा। रे और ध वर्ज हैं, अवरोह संपूर्ण है, तो ये अवरोह संपूर्ण वाली कैटेगरी में रे ध वर्ज आरोह में, ये वाली कैटेगरी में सात रागों का हमने आपको बताने की कोशिश की। ऐसे करके हम कहने वाले हैं कि जाति, यदि आपने जाति के आधार पर अलंकारिक पैटर्न्स बनाए तो एक राग से आपको कई सारे रागों के अलंकारिक पैटर्न्स लगभग सेम पैटर्न मिल जाते हैं और जो आप इम्प्लीमेंट इजीली कर सकते हैं बाकी रागों में भी। ये सातों रागों जैसे हमने उदाहरण में बताया 1-2-3-2, आप कोई भी दूसरा अलंकार लें तो उसको भी आप ऐसे ही फिट कर पाएंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे आपको एक छोटा दूसरा उदाहरण दूँ। मान लीजिए हमने रे और प वर्ज वाले राग लिए, कौशिक ध्वनि या भिन्न षड्ज या कौशिकी, सब शुद्ध स्वर है इसमें। सनी धनी दा गम ध गम धनी दा गम देखेंगे इसमें हम वही अलंकार लेते हैं। मान लीजिए 1-2-3-2 तो क्या होगा, सा ग म ग ग म ग म म ग नि ग ध नि ग नि नि ग ग सा सा ग म ग नि ग ग सा ग नि ग नि म ग नि ग ग म ग म सा ग म ग नि ग ग सा। अब अपनी कन्वीनियंट स्पीड में आप इसको तैयार करें। तो आपने इसका एक बार जब भी अपनी स्पीड में तैयार किया, अब वही अलंकार आप मान लीजिए मालकों से लेते हैं। रेपर्ज वाली कैटेगरी में हमने 3-4 राग बताए थे आपको, भिन्न शर्ट जो है आप कौशिक ध्वनि ना, वो अब मालकों से चलते हैं, फिर हम चंद्रकोंश में जाएंगे। मालकोंश में क्या होगा, सब कोमल सुर हैं, सा ग सा म ग म ग धनी धनी
इतना आसानी से हमने इसको बना लिया। तो हम ये करने में बड़ा आसान है कि हम 1 2 3 2 को हमने किसी भी इन दोनों इन सब कैटेगरी में इस जाति में कहीं किसी भी राग में हम अप्लाई कर सकते हैं बिना कुछ पैटर्न को चेंज किए। अब नी शुद्ध कर दिया तो वो चंद्रकोंस हो गया। वो मालकंस में नी शुद्ध लगाने से वो चंद्रकंस हो गया और हमने यही अलंकार इसमें फिट कर दिया। तो दिस इज हाउ इट इज। और भी हम एक और राग है जो चंद्रकंस इसका नाम है उसमें भी हम इसको कर सकते हैं। राग जो है इसको बोलते हैं सुंदर कंस, जो आचार्य तनरंग जी का ही बनाया हुआ राग है। इसको बोलते हैं सुंदर कंस। स ग म ध नि स नि ग म ग स नि ग नि ग स। इनफैक्ट इसका ये पुराना राग इसको चंद्र कंस की गाय रागिनी करके गाय बोला जाता था। तो इसका चंद्रकंस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें नी शुद्ध लगता ही नहीं है, कोमल नहीं है, इसलिए इसका नाम आचार्य तनरंग जी ने इसका नाम सुंदर कंस रखा क्योंकि इतना सुंदर राग है इसलिए इसका। और कंस इंद्र का राग है, माल कंस की ही कैटेगरी का है। इसमें ग और नी कोमल है, ग शुद्ध है। स ग म ध ध शुद्ध है। सनि रि जाग नि ग ग म ध ग म ग नि ग म ग म ग स नि ग। मान लीजिए वही 1 2 3 2 अलंकार अब लेते हैं थोड़ा सा माहौल बनाने के बाद राग चंद्रकंस का।
सा ग म ग ग म द म म द नि र र नि सा नि नि सा ग ग ग ग म ग नि द ग ग द नि ग नि म र नि र ग म र म सा ग म ग नि द ग स नि नि सा ग म र नि ग नि र म ग हमने राग सुंदर कौंस में भी 1 2 3 2 का पैटर्न जो कि मालकौंस में था या चंद्रकौंस में था या कौशिक ध्वनि में था सेम पैटर्न है, बस कोमल और शुद्ध या तीव्र स्वरों का फर्क है। इसमें तो कहीं तीव्र नहीं था, कोमल और शुद्ध बहुत फर्क है। ये इसका फायदा है जाति का कि जाति यदि आपको भली मतलब एक जैसी जाति हो तो उसमें जो आने वाले जो राग हैं उनमें सबका अलंकारिक पैटर्न एक राग का आपने बनाया तो वही पैटर्न आप दूसरे राग में इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ये जाति की विशेषता है और जाति की वजह से इन सब में आप देखेंगे कि मालकौंस और चंद्रकौंस या फिर सुंदरकौंस या कौशिक ध्वनि चारों के थाट अलग अलग हैं। सो वो भले ही चार अलग अलग थाटों में आप उसको काउंट करें तो आपके हिसाब से चारों एकदम डिफरेंट प्रकृति के राग हो गए, बट जाति के हिसाब से आप देखेंगे तो एक ही प्रकृति के राग हम मानेंगे उसको। ये बहुत एक हम इसको एम्फेसाइज करते हैं कि जाति के आधार पे आप, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक एक राग को अपने हिसाब से पूरी तरह से अच्छे से गाना है, उस राग की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसमें जो भी उसके पैटर्न्स हैं या उसमें जो भी उसका एक विशेष पैटर्न है या लिया जाता है उसको आपको राग के हिसाब से लेना है। पर यदि आप ताने वाने ले रहे हैं तो इनमें वो पैटर्न लगभग कॉमन रहते हैं जो कि जो हमने एक कैटेगरी या एक जाति के हिसाब से बताया है। ये बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है। ऐसे हम किसी भी कैटेगरी या किसी भी जाति के रागों को हम डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। संपूर्ण में भी आपने जैसे जो भैरव में किया आपने वही राग वही अलंकारिक पैटर्न आप हीर भैरव में या बसंत बुखारी में या भैरवी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यमन में भी कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है इसका। एक उदाहरण के तौर पे आपको भैरव और अहिर भैरव का बता देते हैं, इसके बाद समाप्त करेंगे। अलंकारिक पैटर्न 1 2 3 2 जो है 1 2 3 2 का अलंकार हमने राग भैरव में लिया। सारे ये हमने थोड़ा फास्ट में आकार में लेकर दिखाया। अब मान लीजिए हम
हिर भैरव में चलते हैं तो वातावरण का फर्क पड़ जाता है। में घोटना तो है ही, तो पर यह है कि चूंकि एक का पैटर्न एक जैसा हो जाता है तो अब सिर्फ आपको उस राग के जो कोमल या तीव्र या शुद्ध स्वरों में जो भी पैटर्न हैं उसमें आपको यही अलंकारिक पैटर्न को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम भैरव में और भैरव अहिर भैरव में करने में आपको सिर्फ राग का एक माहौल बनाया और वही अलंकारिक पैटर्न हमने उसमें फिट कर दिया, ये इसका फायदा है। तो अब अहिर भैरव और भैरव दोनों का थाट अलग अलग है, तो ये फायदा है। हम जाति के आधार पर मतलब जो उसको हम प्रपोज करते मतलब ये करते हैं, रिकमेंड करते हैं, बजाय कि आप थाट के बेसिस पे आप रागों को कैटेगराइज करें, क्योंकि उससे आपको एक डायरेक्ट इजी पैटर्न मिल जाता है और काफ़ी आपके लिए करने में सुविधा हो जाती है, क्योंकि आप एक राग करते हैं तो आपके पास एकदम नंबर ऑफ रागों का एक सीरीज तैयार हो जाती है जिसमें कि आपको सिर्फ उस राग के सुरों को घोटना है, प्रैक्टिस करनी है, वो सब कुछ नहीं है, पर अलंकारिक पैटर्न जो है या इवन अदर टाइप ऑफ तांस जो हैं लगभग एक जैसी रहती है। अलंकारिक पैटर्न का हमने उदाहरण दिया, आप सपाट तान लीजिए या और भी तरह की ताने हैं वो सब ले सकते हैं आप एज इट इज़ बिना कोई चेंज किए इसमें ले सकते हैं किसी भी राग में जैसे उस जाति में आती हैं जो, ये उसका फ़ायदा है। अब हम यही समाप्त करते हैं, नमस्कार।